और अगर किसान हमारे छोटे ट्रैक्टर चलाते हैं इसको थोड़ी और बड़ा करके 5 फीट कर दे, 5 और साढ़े 5 उसमें छोटा ट्रैक्टर वीडियो बना लो, वो लाल वाला सर जैसे दोनों इनमें सर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर गैप टुकड़े के बीच में, अगर दो आंख का टुकड़ा हम यूज कर रहे हैं और अगर एक आंख का कर रहे हैं तो लगभग 1.5 फीट तक, 1 फीट से 1.5 फीट तक सर दूरी कर देते हैं। डिपेंड करता है किस महीने में इसको बो रहे हैं, अगर हम अगस्त सितंबर में बो रहे हैं तो 1.5 फीट की दूरी करें तो अच्छा है, अगर हमने अक्टूबर में बोना है तो 1 फीट की डिस्टेंस कर लें, ठीक है, मार्च में बोना है तो भी हम दूरी को घटा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर सितंबर में बहुत अच्छी टेंडरिंग होती है, जनरेशन बहुत अच्छा होता है तो उसमें दूरी को बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस सेट टू सेट बढ़ाया जा सकता है। और सर इसमें जो खास बात है वो ये रखी जाती है कि सेट के ऊपर जो हम मिट्टी डालते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर, अगर मिट्टी हमने इसमें ज़्यादा डाल दी तो जर्मिनेशन भी हमारा पुअर भी होता है और हेल्दी नहीं होता है, बाद में टिल्डिंग भी डिलेड हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो एक क्रक्स है इसका ट्रेंच प्लांटिंग का वो यही है कि मिट्टी कम डाली जाए। अब मिट्टी तो सर हम लोग कम डाल देते हैं लेकिन क्या होता है कुछ लोग जब पानी लगाते हैं पूरे खेत में लगा देते हैं मिट्टी वापस गिर जाती है, जब मिट्टी वापस गिर जाएगी तो फिर सर वो जर्मिनेशन वहाँ डिले हो जाएगा और इसी कारण ही सिस्टम कभी फेल हो गया था, आने के बाद ख़त्म हो गया था। मिट्टी कम डाल करके सर इसको बढ़िया किया जा सकता है, फरवरी तक ये ऐसे ही रहेगा। वाटर की सर सेविंग, जो पानी की सेविंग है सर वो भी इसमें बेहतर है, नाली से पानी हम लोग सर की नाली में क्यों लगाएंगे, बीच में पानी लगाने की जरूरत, ये भी आप वही स्कूल वाला ही है आपका ही है, उस किसानों को बहुत सारा लगा दिखा देंगे इससे।